पैसा भी पास हो गया है लेकिन रोड का पता नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम आशीष सिंह है। तो आपके गांव में क्या कुछ कितना विकास हो रहा है और क्या कुछ परेशानी है? एक बार परेशानी तो पूरा रोड का ही परेशानी है। आज तक रोड कभी बन ही नहीं पाया। 12 महीना हम लोग कीचड़ में रहते हैं और ये वार्ड नंबर 12 हमेशा ऐसी कीचड़ में रहता है। देख रहे हैं आप, पानी निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। वो देखिए बोरिंग का पानी निकासी कुछ भी व्यवस्था नहीं। 12 महीना यहाँ कीचड़ जमा रहता है। आए दिन बच्चे गिर रहे हैं, हम लोग भी गिर रहे हैं, मवेशी तो गिर ही रहे हैं। आपके यहाँ सरपंच सचिव कौन है? सरपंच श्री विजय बरिहा जी और सचिव धनेन्द्र साहू जी। तो उनके द्वारा आपको कुछ कभी मतलब ये बन जाएगा रोड? हाँ, हमेशा उसको बन जाएगा रोड। मैं बीच में फिर बात किया तो रोड बन जाएगा, पैसा पास हो गया है, बन जाएगा रोड। 3 साल से रोड बन रहे, देख लो आपके सामने सोक्ति गड्ढा यहाँ बोरिंग के लिए खोदा गया था, ठीक है। वो सोक्ति गड्ढा 6 महीना खुला था, कीचड़ और बच्चे गिरना चालू हुए तो फिर लाके मिट्टी लाके पाट दिया। अच्छा, ये आप शिकायत किनसे कर चुके हैं? ये अपना SDM के पास शिकायत किए थे हम लोग। अच्छा, कब किए थे शिकायत? 2020 में। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आए 3 लोग कार्यवाही देख के चले गए और उसमें लिख दिए कि रोड बनेगा, रोड के लिए प्रस्ताव पास कर दिए, बन रहा है रोड। अच्छा, प्रस्ताव तो पारित हो चुका है लेकिन हाँ, रोड नहीं बन पा रहा। हाँ, तो इसके लिए अभी किसको जिम्मेदार मानते हैं? खुद को, रिपोर्ट लिखा है इसीलिए। लेकिन शिकायत करने से तो समस्या का हल होता है? ये तो हुआ ना, देखिए ना कितना बढ़िया रोड बना है। अच्छा, तो जिम्मेदार कौन है इसका? हम लोग खुद, रिपोर्ट लिखा है इसीलिए। कि आप सरकार को जिम्मेदार नहीं लगते हैं कि अगर आप शिकायत नहीं करते तो ऐसी स्थिति नहीं होती? तो भी होता, रिपोर्ट किया तो भी हो रहा है। हाँ, और ऐसा होते ही रहेगा। सुनने वाले कोई नहीं। हम लोग बोलते बस हैं। अब देखो ना, सोक्ति गड्ढा नहीं, बोरिंग देखो, वहाँ जाके देखो गंदा पानी कैसा जमा है बोरिंग का। आप जाके देखो, सोक्ति गड्ढा का पता नहीं है अभी तक। गाड़ी निकलेगा कि नहीं उसको नहीं बता सकते सर, गांव से बाहर आप अंदर चले ना, अंदर और स्थिति वैसी है। आओ ना, इसमें कार वार तो नहीं जा रहा होगा भैया? कुछ नहीं जा रहे भैया, बच्चे इसमें आना जाना कर रहे, स्कूल जा रहे हैं और ये गांव से कनेक्टेड है सब गांव। चावल लेने जाते हैं दूसरी दूसरा लोग 2 दिन। तो यहाँ का विधायक का क्या हालचाल है? गाड़ी भी पार नहीं हो पाता है। गाड़ी को बंद करना पड़ेगा। ये कौन सा गांव है? गोहे दादर। और रोड के हालात पर क्या क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या समस्या हो रही है ग्रामीणों को? किनको शिकायत किया आपने? SDM साहब को किए थे जी। तो वो आए और देख रेख के गए हैं जी, हो जाएगा इसका प्रस्ताव कर दिए हैं बोले। और आज वही 2020 में किए थे आवेदन। हाँ, तो 2020 के बाद भी अभी तक के कुछ नहीं हुआ है इसमें। अच्छा, कुछ बजट वजन नहीं है ग्राम पंचायत को, ऐसे कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं मिला है। गांव वाले को इस गांव से उस गांव जाने में दिक्कत है। ये गांव में जो आ गया मतलब निकल नहीं पाएगा, रास्ता इतना बेकार है। यहाँ पर कारवार नहीं घुस रहे गांव में? हाँ, कारवार जैसे घुसाने से भी फंस जा रहा है गांव में। अच्छा, उसको ट्रैक्टर उक्टर से फिर खींच के ही निकाल सकते हैं। जैसे किसी की तबीयत खराब हो गया, किसी को इमरजेंसी, तो तब बाहर जाने के लिए क्या होगा? जैसे कि एम्बुलेंस रात में जैसे पानी गिर गया तो इस रास्ता से तो निकलना मुश्किल है। मरीज भी होगा तो मरीज भी गाँव के बाहर नहीं निकल पाएगा, कम से कम उसको सुबह का इंतजार करना पड़ेगा और सुबह होते तक हो सकता है उसका जान भी चल देगा। कि रात में कोई भी ड्राइवर रिक्शा नहीं लेते। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? वर्तमान सरकार को कि सरपंच सचिव को? ये किसकी जिम्मेदारी होना चाहिए? गांव में रोड, बिजली, पानी, सुविधा किसका जिम्मेदारी है? ये सब हमारे यहाँ के जो साहब हैं उनका जिम्मेदारी है, सरपंच जी का। सरपंच जी हो गए हैं, SDM साहब हो गए हैं, सचिव जी हो गए हैं, कि सबके पास हम लोग गुहार लगाए हैं कि साहब ये रोड इतना दिन से बेकार है बोल के। उनसे ऊपर कभी किसी नेता से संपर्क किए? नहीं किए। जनपद CEO है उनसे कभी? नहीं किए हैं उनसे। अच्छा जी, हम लोग के SDM साहब मतलब वो हैं बोल के उनको ही आवेदन किए थे। तो यहाँ भाजपा और कांग्रेस के दोनों नेता लोग तो होंगे यहाँ? हाँ, पूरा टोटल कर्मचारी हैं, भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं जी, दोनों के कार्यकर्ता। तो क्या वो लोग अपने उच्च अधिकारियों के नेताओं को नहीं करते हैं कि हमारे गांव में यह हालात है बोल के नहीं बताते हैं विधायक को? बताते हैं, करवा रहे हैं बोलते हैं। तो क्या कांग्रेस के जो समर्थक हैं यहाँ के जो नेता हैं आपके गाँव से जी, क्या वो लोग विधायक जी को नहीं बताते हैं कि हमारे गाँव में ये हालात है बोल के? अब नहीं बताए हैं तभी तो, अभी तक के नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम श्रवण कुमार प्रधान है। पिछले बार जब चुनाव हुआ था विधानसभा से, क्या हुआ था यहाँ, क्या स्थिति थी यहाँ का?
यहाँ तो दोनों तरफ ऐसे गर्मा गर्मी माहौल था। अच्छा हाँ, दोनों ही, लेकिन बीजेपी लीड लिया था इसमें। जी जी, बीजेपी क्या कि संपत भैया लीड लिए थे इसमें। अच्छा, संपत भैया लीड लिए, उसके बाद बीजेपी लिया था, उसके बाद कांग्रेस है। अच्छा, मतलब जब पिछले चुनाव की मतलब बात करें तो यहाँ पहले नंबर में संपत थे, संपत भैया थे। तो जब संपत अग्रवाल इस गांव से लीड कर रहे हैं तो इस गांव में इतनी समस्या है, तो कभी क्या आपने उनको बताया संपत अग्रवाल जी को? तो संपत अग्रवाल जी का कोई विधायक वो थोड़े हैं जो बताओगे, एक अभी अपना चल रहा है कार्यकर्ता के रूप में, और क्या बोल रहे हैं अपनी नया नया वो उनका माहौल है, उनको तो गवर्नमेंट तरफ से कोई पद नहीं है। तो अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, आपको तो पता ही होगा छत्तीसगढ़ में। तो अभी फिलहाल कौन कौन नेता संपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क क्या लगता है, बीजेपी से कौन कौन है, कांग्रेस से कौन कौन है, जिनका आप नाम बता पाएंगे? हमारा तो संपत भैया है एक। अच्छा जी, अच्छा क्या लगता है आपको, अगर संपत भैया जो है बीजेपी से अगर चुने जाते हैं तो आपकी ये जो गांव की जो समस्या है जो कीचड़ में पूरा गांव, हाँ पूरा दूर हो सकता है, दूर हो सकता है, आपको उम्मीद है पूरा 100%? अच्छा, वर्तमान विधायक से क्यों नहीं है ऐसी उम्मीद? वर्तमान विधायक जो है वो तो कभी आते ही नहीं है, बस चुनाव प्रचार में आते हैं। वर्तमान विधायक को हम लोग देखे भी नहीं है, बस फोटो उसका देखे हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से कुछ विधायक जी से आप कुछ बोलना चाहते हैं? विधायक जी से बोलना चाहता हूं कि वो जो उनको कार्यभार दिया गया है जनता के द्वारा, जो उम्मीद था, वो आके गांव-गांव की दिक्कतों को थोड़ा देखें, तभी उनका अगला जो चुनाव होगा उसमें कुछ काम कराएंगे तो उनको ही वोट डालेंगे। तो विधायक के कार्यकाल से कितना खुश अभी वर्तमान विधायक कांग्रेस से सत्ता से हैं, उनके विधायक उनके कार्यकाल से? अब सर काम तो देख रहे हैं आप, है नहीं, ये काम के चलते अभी गांव वाले नाखुश हैं कि उनके रहते ये चीज़ नहीं हो पाया है, अगर ये हो जाता तो हमको कोई दिक्कत नहीं था, उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बाकी ये काम नहीं हुआ उसी के लिए बोलना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मोहन्ना शंकर है। शंकर, हाँ। तो अभी मुख्य समस्या क्या है गाँव का? रोड। अभी कौन है विधायक यहाँ बसना विधानसभा में? देवेन बहादुर। आपका बसना विधानसभा में आता है ना गांव? हाँ, हाँ। तो क्या वो कभी गांव आए यहाँ देखने के लिए? मैं आज तक देखे भी नहीं है। तो आप किनसे उम्मीद रखते हैं कि ये मतलब ये रोड बन जाएगा? है? कौन नेता है या कौन ऐसे अधिकारी है जिनसे उम्मीद रखते हैं? मुई तेरे बारे किसी ने जाने भे रोड बनी बार चाहिए मुई ईटा जानती खाली। तो फिर आने वाले समय में जो आपको कहेगी कि रोड, जो आपको रोड बना के देगी अच्छी रोड, क्या आप उसको वोट देंगे? हाँ, सच के दमो वोट का नहीं दमो भाई, पूरा गांव परेशान है रोड से। हाँ। तो अभी आप कुछ दिनों में चुनाव आने वाले दिनों में, तो कौन से पार्टी को आपसे मतदान करते हैं, भाजपा को या कांग्रेस को? भाजपा को। भाजपा करते हैं। पिछले समय क्या स्थिति थी, किनको वोट किया था, भाजपा को किया था कि संपत जी को किया था? भाजपा को। भाजपा को किया था। हाँ। क्या ग्रामीणों से निर्दलीय ग्रामीणों से पता चला कि संपत का समर्थक है यहाँ है ना? अच्छा, एन के अग्रवाल जी को जानते हैं? अग्रवाल हॉस्पिटल जी, वो बहुत बढ़िया है। अच्छा, अभी हमारे गांव वाले एक्सीडेंट हुए तो उनका आयुष्मान कार्ड में इलाज वलाज भी किए। अच्छा, वो बहुत बढ़िया, गांव भी आए हैं। जी जी, अग्रवाल जी को जानते हैं? जी जी। तो आपको पता है क्या वो भी मतलब बीजेपी से उम्मीदवार है विधायक का? हाँ हाँ जी, लेकिन कभी प्रचार प्रसार के इधर आए हैं आपके क्षेत्र में? आए हैं, आए हैं। क्या लगता है अगर उनको बीजेपी टिकट देते हैं तो क्या जीत दिला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो भी अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नेचर के हैं। अभी अभी की बात है, एक महीना पहले हमारे गांव कीर्तन मंडली के एक्सीडेंट हुआ, तो हमारे गांव के टोटल जितने पेशेंट थे उनके हॉस्पिटल गए, अच्छे से उनका ट्रीटमेंट किए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, किसी के पास कम था तो दिए, ज़्यादा थे तो दिए, लेकिन सबका ट्रीटमेंट अच्छे से किया और बहुत बढ़िया व्यवहार है उनका। लगभग कितने लोगों का दुर्घटना हुआ था इस गांव से, उस दुर्घटना में कितने लोग घायल? 13 लोग एडमिट थे। अच्छा, एक आदमी का मृत्यु हुआ था। हाँ। बाकी 13 लोग सुरक्षित बच जाए गए। हाँ, अभी मतलब सभी का अस्पताल वही मतलब अग्रवाल नर्सिंग में। हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया है। अच्छा। और मतलब अभी पद में नहीं रहते हुए भी मतलब गांव वाले लोग के तरफ ध्यान है उनका, है नहीं ना, तो इतना कोई नहीं करता भैया, यहाँ से गाड़ी किराया कम से कम 2000 रुपया है, उनका फ्री एम्बुलेंस चल रहा है, गरीब दुखी को रात बिकाल कभी भी फोन करने से आते हैं और लेके ट्रीटमेंट व्रीटमेंट सब करवाते हैं निःशुल्क में। क्या नाम है आपका? नमन प्रधान। कितना पढ़ते हो? छठवीं। कहाँ जाते हो आप पढ़ने के लिए? शिशु मंदिर। शिशु मंदिर कहाँ? बसना। बसना, तो आप किससे जाते हो मतलब यहाँ से पढ़ने के लिए? बस। अच्छा, तो बस आती है आपके घर तक? नहीं। कहाँ आती है बस? बोरिंग।
गांव से बाहर में? हाँ। तो फिर वहाँ तक कैसे जाते हो आप लोग पैदल? हाँ। क्या क्या परेशानी होती है इस रोड में? हमारे साथी लोग गिर जाते हैं, हम भी गिर जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। स्कूल जाते वक्त फिसल के गिर जाते हैं? हाँ। कभी कभी चोट भी लगता है क्या बच्चों को? कभी चोट लगा है? हाँ लगा है। तो आप अपने घर में पूछते हैं कि क्या गांव की सड़क ऐसे क्यों नहीं बन रही है? पूछते हैं। तो क्या बोलते हैं घर वाले? क्या बोलते हैं? जल्दी बनेगा, बनेगा बोलते हैं। क्या नाम है आपका? सरोज प्रधान। क्या क्या मुख्य समस्या है गाँव की? गली कांक्रीट नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, अच्छा से नहाने का भी सुविधा नहीं है। अच्छा रोड के जो इसका कारण क्या क्या समस्या होती है? इसमें चलने नहीं पाते हैं, कोई डोली खेत जाने से नहीं होते, गांव गली में आते जाते हैं, पहुँचना ले तो वापस चले जाते हैं। अच्छा मेहमान लोग आते हैं, वापस जाते हैं, गाड़ी नहीं आता होगा उनका, यहाँ कैसे आएगा? अच्छा पानी के लोगों को क्या क्या समस्या है? पानी एक ही बोरिंग है, वो भी पानी लाते आधा एक घंटा अच्छा रहता है, उसके बाद कचड़ा हो जाते हैं, लाल लाल हो जाते हैं। मतलब गांव में एक ही बोरिंग है? एक ही बोरिंग है। और अलग से ट्यूबवेल मोटर कुछ भी नहीं? नहीं नहीं कुछ नहीं है, पानी भी खराब रहता है। हाँ। तो इसकी जानकारी किनको किनको है? सरपंच सचिव को, यहाँ के अधिकारियों को? पता नहीं, सचिव किसी ने नहीं कहा थी तब तो अंता हुए। अच्छा है नहीं? जी जी। गणेश प्रधान। गणेश प्रधान उप सरपंच है जी, ग्राम पंचायत का जी, बुरियादर ग्राम पंचायत। आपके गाँव का हालात देख रहे हैं आप जी? ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ कुछ भी 3 साल हो गया है, आज मतलब रोड नहीं बन रहा है, बस नहीं आता है बच्चों के लिए, स्कूल बस नहीं आता है, 8-10 दिन लगे हैं, हर लोग वापिस चले जाते हैं। तो आप यहाँ के उप सरपंच हैं, किन किन उच्च नेताओं को, विधायक जी हैं, आपके जनपद सीओ हैं, उन तक आपने बात पहुँचाई आपके पंचायत ने? जी तो 8 दिन हो गया, इसलिए मतलब हो गया सीसी रोड बनेगा, ये 8-10 दिन के बाद। आज 10 दिन के 8-10 दिन के बाद सीसी रोड बनेगा, मतलब बजट पास हो गया? 20 लाख का मतलब आने वाला है। कितना मीटर बनेगा ये? 450 मीटर आने वाला है कि आपको मतलब हो गया पूरा, मतलब पैसा हमारे खाता में अकाउंट में आने का बहुत बचा है। अच्छा आपके मतलब जनपद निधि में आ गया हो? तो वो मतलब मंत्रालय से कहाँ से हो रहा है वो, मतलब उसको दे हैं। अच्छा 20 लाख के पास हो गया, मतलब लगभग 8-9 दिन में काम चले हो जाएगा। सर ग्रामीणों का और समस्या है बहुत सारे, जैसे कि पानी का अभी बता रहे थे, एक ही की बोरिंग है यहाँ पर हेड पंप, जिसमें भी आधा घंटा बाद मतलब उसमें पानी खराब हो जाता है। यहाँ नल जल भी लगा है, पानी टंकी नहीं बना है अभी तक। नहीं बन तो रहा है, जो पानी टंकी तो अलग विभाग का है, वो पीएचबी का है वो। अच्छा पीएचबी वाले बना रहे हैं। आपके ग्राम पंचायत की तरफ से मतलब यहाँ के ये क्या, तो बोर की क्या है? इसको जाम हो जा रहा है, इसको बार बार ये साफ सफाई नहीं हो रहा है। उधर से पानी ज़्यादा पानी छोड़ेंगे तो गर्माई में तो खेत वाले लोग वहाँ पानी मत डालने दो बोलते हैं, रुकते हैं। क्या क्या बोले आपने समझा ना? जैसे इस बड़े पंप लगाने से उसका जो मिट्टी है कि नहीं खुदा है उसको, अभी छोटा वाला एक एचपी लगा है, जाम हो जाता है बीच बीच में वो। अच्छा जी। तो उसको बड़े मोटर लगाने से साफ करने से ना खेत वाले पहले से जाने नहीं देंगे बोले, उधर जो जिसका खेत है पानी जाता है जो। तो पानी निकासी के लिए आपको वो करना चाहिए? अरे भाई गाँव से निकालेंगे तो किसी का खेत में तो जाना पड़ेगा ना, वो जाएगा कि नहीं? जी कहीं से पानी निकालेगा, किसी का खेत तो जाएगा ना। तो भाई आपको अभी देखो ये वाला एक बोर खुला है पानी खाने के लिए, ये चल रहा है, सक्सेस भी है ये। उधर एक तो बोरिंग है, किसान है जो आपत्ति जता रहे, नाम बता पाएंगे क्या? तो सामने वाला कैसा सब जान रहे हैं जी, मैं कैसे बताऊं? मैं देखो तो पूछो इनको, मेरे से गांव से अभी विवादित चल रहा हूं मैं, कुछ कैसे है? नहीं आप गांव के, आपकी जिम्मेदारी ना भाई, आप जन प्रतिनिधि हैं, उप सरपंच हैं। ठीक है सरपंच से सवाल करो, कुछ जाने नहीं देगा। आप उप सरपंच हैं? मेरा काम जितना है, मेरा काम जितना मैं उतना तो बोल पाऊंगा जी। अच्छा जी, मतलब आप भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हां मेरे तरफ से सामुदायिक भवन की मांग है, मतलब उस मोहल्ले में हम लोग देखें, कौन सा मोहल्ला था यहीं पर? हां सामुदायिक भवन का देखो तो हमारे यहां से जमीन नहीं है, शासकीय जमीन कहां से बनाएंगे? अच्छा शासकीय जमीन भी नहीं है इसलिए नहीं बन पा रहा है। हाँ ये 48 एकड़ है हमारे गाँव, सब कब्जा किया है, नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा अवैध अतिक्रमण तो अवैध अतिक्रमण हटाने में ग्राम पंचायत क्या कर रही है? सबको पूरा जाके वो हाईकोर्ट महासमुंद, मतलब हाईकोर्ट बिलासपुर सब यहाँ चल रहे हैं, हटा नहीं पा रहे, गोठान अभी मतलब आधा अधूरा हुआ है। अच्छा जो तो गोठान विवादित वाला है क्या, वही है क्या? हाँ हाँ तो यहाँ 48 एकड़ में पूरा सब जमीन कब्जा कर दिया, एक डिसमिल भी नहीं है खाली, तो कहाँ से बनाएंगे? समाधि बनाएगा तो कहाँ से बनाएंगे? विकास काम भी रुका हुआ है, रुका है विकास काम। जी जी। और मैं बोल रहा था कि अभी आने वाले दिनों विधानसभा चुनाव है जी छत्तीसगढ़ में जी, तो किन मुद्दों पर यहाँ की जनता वोट करेगी, ऐसे कुछ बता पाएंगे आप? ऐसे नहीं बता पाऊंगा। आप किन पार्टी को समर्थन करते हैं? मैं तो बीजेपी का हूँ ये। अच्छा बीजेपी कार्यकर्ता है। पिछले समय क्या था स्थिति यहाँ बीजेपी से? बीजेपी का नहीं था यहाँ स्थिति, बीजेपी का कार्य ठीक नहीं था, स्थिति ठीक नहीं था, नहीं था। ग्रामीण बता रहे थे कि बीजेपी के लोग यहाँ लीड में थे, संपत भैया लीड में थे, संपत निर्दलीय है ना वो तो। अच्छा वो लीड में थे, वो लीड में थे। अच्छा अभी मतलब आप भाजपा से हैं, समर्थन है, कोई कार्यकर्ता है क्या यहाँ है जो? अच्छा
और आप कुछ कार्यकर्ता हैं बीजेपी? अभी भी नहीं हूँ मैं, पहले था। ये बताइए मतलब बीजेपी से कौन कौन उम्मीदवार हैं? उसका मेरे को पता नहीं है भाई, अभी कौन है। इनके अग्रवाल जी हैं भाजपा? हाँ वो है, वो संपत अग्रवाल भी है, कोई रूप कुमारी, कोई जगदीश पटेल भी रहता है, किसको देंगे क्या मतलब? अच्छा, लेकिन डिक्लेयर नहीं हुआ है पार्टी तो किसी को भी टिकट देगी से, लेकिन आप किनको देखते हैं कि किनको मिल सकता है या कौन अच्छा? हमारे क्या, हमारे विधायक जिसको जानते हैं पहचानते हैं उसी को मिले, हमको ठीक है ये जी। तो नया चेहरा को देगा तो कैसे पहचानते हैं? आप पुराने चेहरा देख रहे हैं जी, पुराने मतलब हाँ, जिसको जान पहचान जिससे चलता है उसी को देगा तो काम होगा जी। वो नया चेहरा जब उसको बात नहीं कर पाई, कुछ चेहरे में कौन था जैसे अगला चुनाव में उठा था डिसिप्लिन, कोई जानता थोड़ी ना था हमारे विधानसभा में। अच्छा जी जी जी, तो और कौन था आपके मतलब किसको मिलना चाहिए था डिसिप्लिन के अलावा? था विधायक बन रहे थे वो थे हमारे बहुत है, लेकिन देने से तो चले गए यार, उतना नहीं जानते भैया। चौधरी जी कैसे थे? तो अच्छा था यार उसका, उसका कार्यकाल में खुश थे। हाँ, उसका कार्यकर्ता था। ये बताइए उनके कार्यकाल में अपने गांव में आप क्या विकास काम करवाए अपने गांव में? यहाँ तो यहाँ के पंचायत के बाद छोड़ो, यहाँ तो सरपंच को 5 साल टिकने देते हैं, निकालते हैं तो कहाँ से विकास होगा? पहले ही पहले बताओ, कोई भी सरपंच 5 साल नहीं टिका, अभी के सरपंच अभी 2 साल बचा है वो भी टिक पाएगा नहीं टिकाएगा पता भी नहीं है, पूछो ना सबको। कोई भी मतलब 15 में दो गुट है राजनीति, दोनों पंचायत में है, पूरा पंचायत में, वहाँ भी 2 फील्डिंग है, यहाँ भी 2 गुट है। अच्छा, जिसके कारण विकास की गति मतलब रुक रहा है ना, मतलब ये पंचायत के आदमी के कारण रुक रहा है। अच्छा, मतलब कोई भी सरपंच को 5 साल चला लेंगे तो कैसे विकास करेगा वो? अभी वर्तमान में आप बीजेपी से किन को देखना चाहते हैं? अभी मैं कहीं नहीं पाऊंगा देगा। अभी वर्तमान में जो कांग्रेस के विधायक है अपना राजा देवेंद्र बहादुर जी जी, उनके बारे में कुछ कहना चाहिए, उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं क्या? पंचायत ने कभी उनको संपर्क किया इस रोड के बारे में? बोला हूँ। आप बोले हैं? हाँ। क्या बोले विधायक जी? विधायक जी कर दूंगा बोला, नहीं क्या जी उसका भी? हाँ भी आप चल स्थिति बताए कैसे? बिल्कुल फोटो वोटो खींचे पूरा खिंचा। कितना दिन हो गया है आप? 2 साल हो गया है। अच्छा, 2 साल हो गया, बात बताए अभी तक नहीं हुआ है। देखो सुनो तो हम लोग, सवाल मेरा अभी है, इस गांव के लिए 20 लाख रुपए का सीसी रोड आ रहा है, कौन से मत से है वो? मंत्रालय से आ रहे जी, मतलब कौन से है जो मतलब एक जिनको मैं दिया हूँ मतलब परसेंटेज से हम लोग परसेंट दे के गया हूँ जी, मेरे को उतना मालूम नहीं मंत्रालय से बात हुआ है। नहीं उसको मैं पैसा दूँ, मैं खुद काम कराऊंगा। अच्छा, मतलब दूसरे को इसको बनाने के लिए नहीं दिया हूँ मैं। अच्छा, मैं नहीं अपना सीसी रोड लाने के लिए कितना परसेंट दिया आप? बोल रहा हूँ वो दे के वहाँ से ला रहा है, वो नहीं बताया मेरे को, मैं उसको तो ऐसे गांव से पंचायत का आदमी है वो। अच्छा, पंचायत आदमी वो नहीं लगेगा जी, वहाँ स्वीकृति कराएगा कुछ भी देख के लाएगा, लेकिन मेरे को बताया नहीं है कितना दे रहा हूँ ऐसे। लेकिन गांव का विकास होगा इसमें। हाँ। अब जैसे भी हो, अभी तो 10 लाख का वहाँ किए हैं ना कुलिया पंचायत में जी, 10 लाख का सीसी रोड बना है और उधर भी 10 लाख का, 20 लाख का वहाँ भी हो गया। हमसे जितना हो रहा है बोल रहे हैं, 2 साल तो लॉकडाउन आप भी जानते हो जी जी, लॉकडाउन में कुछ की नहीं। सीसी रोड की अधिक आवश्यकता है ऐसी लगता है ग्रामीणों को भी, हमको भी, आप ज्यादा जान पाएंगे, आप तो यहाँ कह सकते। तो मैं तो मैं क्या हूँ उसे तो बोल रहा हूँ आपको खुद से। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं जी, लेकिन मेरा यह सवाल है कि अभी वर्तमान में कांग्रेस की सत्ता है यहाँ, उनके कौन कौन से कार्यों से आप संतुष्ट हैं और असंतुष्ट हैं? जैसे चला रहा है 5 साल में तो चल रहा है तो बढ़िया है, सब जमीन वमीन सब किसानों का छूट भी कर दिया, उसको भी अच्छा बोल रहे हैं आदमी जी जी। सत्ता से हमको मतलब नहीं है, जो अच्छा चलाया गया उसको हमको मतलब है कि नहीं? किसान है तो मतलब किसान के हित में तो बोलेंगे जी, जी। है कि नहीं? तो क्या लगता है अभी 2800 जो क्या है 20 क्विंटल का जो बड़ा उसमें करेगा या सिर्फ चुनावी वादे हो सकते हैं? कहते हैं भी बीजेपी भी तो घोषणा किया था जाके 2200 दूंगा, बोला नहीं दिया जीतने के बाद क्या कर लेंगे? कांग्रेस दिया ना, दिया है कांग्रेस जी जी, उसी लिए तो उसको भरोसा भी करता है ज्यादा आदमी, मतलब ग्रामीणों का भरोसा है किसानों का भरोसा है। किसान नहीं किसान है तो क्या बोलेंगे? अगस्ती यादव कौन से ग्राम पंचायत से आप? कुल्हा देवरी। तो अभी क्या काम कर रहे हैं अभी? ये तो काम करते हैं साहब, बरसात के पहले जो और बरसात के हमारे जमीन बाड़ी नहीं है साहब, और कहाँ काम करोगे बनिहार भुतियार करके जियो था ना मन। अच्छा हाँ, तो जैसे आपका जमीन नहीं है। हाँ। तो एक तो कांग्रेस सरकार का योजना है किसान भूमिहीन योजना सर, दे थे कतका मिलते? 1.5 3 1.2 और का मिलते? बूढ़ा पेंशन मिलते। कतका मिलते? 150 नहीं 3.5 3.5। और मनरेगा में भी काम करते हो? नहीं। तो वो अभी जो है चुनाव आने वाला है छत्तीसगढ़ में। हाँ? इधर बारे में तो जानकारी है, 4-6 महीना बचे हुई। बचे हैं जाना था मला। तो इधर काकर सरकार बन सकते छत्तीसगढ़ में, परिवर्तन हो ही कि वापस वही सरकार? कौन जाने साहब, बोला नहीं जानो भाई मैं।
ते कौन लोग वोट कर था वोट तो ओला दे रहना भी भाई जो जीते है ओला दे था ना मन अच्छा चलो ठीक ये तोरेज घर है आपके दीवार में डॉक्टर संपत अग्रवाल का वो लगा है आप इनको जानते हैं क्या संपत जी को हाँ संपत जी जानो तो भाई अच्छा। संपत ला तो आपके गांव में क्या माहौल है उनका उनका ज्यादा माहौल है संपत भैया का संपत भैया इनके अग्रवाल जो नरसिंह अग्रवाल हमसे उनको जानते हैं नहीं मैं नहीं जानू भाई वो अच्छा इनके अग्रवाल उल्टा जोरदार माहौल है संपत भैया का नहीं तो पूछा ना भाई अच्छा अभी वर्तमान विधायक जो है उनका नाम जानते हैं ये सरी वाले वाला हाँ हाँ जानो भाई क्या नाम है उनका देवन बहादुर गण जी जी देवन बहादुर तो उनके कामकाज से कैसे खुश है उनका कामकाज कैसा है उनका कामकाज कैसा है विधायक का बोल रहे हैं कि अरे साहब ये विधायक बने तो कभी ने देख हमारे दर्शन ने वो कभी तो देखवान में चली हमें तक चिन्हार नहीं एक दिन ऐसी मात्र जिन दिन आबा एक दिन आबा दूसरा दिन उन्हें आसे साहब अच्छा मतलब जब चुनाव के समय होते तो राजा साहब आते हैं हाँ हाँ एक घा दो घा थे तो हम और ना ही नहीं नहीं यहाँ का सरपंच का नाम क्या है विजय बढ़िया विजय बढ़िया जी हाँ विजय बढ़िया उनका काम कैसा चल रहा है गाँव में विकास बढ़िया काम करो ये जैसे कि सीसी रोड हुई तो जो रोड माने दी अच्छा हुई का काम कैसे चल रहा है चलू मैंने मस्त स्कूल भवन बिल्डिंग वही बना रहा है कहाँ स्कूल करवा किसी नहीं नया भवन वही नहीं बना नहीं 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 इन गुटे बने नहीं बोल साहब इन गुटे देखते इटा गुटे हमर पूरा सब नंगला केन से पर्सी गुटे न के गुटे आसमा वाला बसमी वाले अच्छा मतलब मंडली वही कुछ नहीं है नहीं स्वास्थ्य नहीं नहीं किसी ने नहीं सामुदायिक भवन है कुछ नहीं किसी ने न पर्सी गुटे न साहब कहारी देख न पर्सी और कान बनावा है ये कौन सा मोहल्ला है ये गोहेतादर का ये कौन सा मोहल्ला बोलते हैं इसको वार्ड क्रमांक कितना वार्ड क्रमांक है 12 12